डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अतुल कुमार ठाकुर की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले काफी समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात अपराधी नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नदीम के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। नदीम के ऊपर कई हत्या के मामले और अपहरण के मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय नॉर्थ ईस्ट डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर जी, जिन्होंने शार्प शूटर नजीम को छेनू गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इनसे। आज हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम नदीम है और ये 50,000 रुपये इसके ऊपर इनाम था। ये अपहरण, हत्या और लूट के कई मामलों में शामिल था। सीलमपुर में इसके ऊपर 2 मुकदमे थे जिसमें एक मर्डर का भी मुकदमा था और मेरठ में 2 मर्डर के मुकदमे और एक अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे में ये वांटेड था। ये 2015 से ये फरार था और इसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई थी और कल हमारी टीम को सक्सेस मिला जब हमें पता चला कि ये इलाके में आने वाला है अपनी मदर से मिलने के लिए, और हमने एक ट्रैप लगाया और उसके बेसिस पे इसको अरेस्ट किया गया। और किस किस गैंग से ताल्लुक़ रखता है? सही है, ये यहाँ पे कुछ समय पहले छेनू गैंग ऑपरेट करता था जिसमें से इसके ताल्लुकात थे, जिनके मेंबर्स के साथ मिलके इसने काफ़ी वारदातें की थी। उसके सभी मेंबर्स को हमने गिरफ्तार करके उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है और ये एक एब्सकॉन्डिंग मेंबर था जिसको हमने गिरफ्तार किया है। सर, और कहाँ कहाँ इसके हाथ रहे हैं सर, किस किस वारदात में? मेरठ में इसकी 3 इन्वॉल्वमेंट हमारे सामने आई है और जिसमें से 2 मर्डर और 1 अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। जैसा कि अतुल कुमार ठाकुर जी ने बताया कि छेनू गैंग के शार्प शूटर नदीम को गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन परवेश मिश्रा के साथ अमित कुमार तिवारी, DB News, दिल्ली।